तरह पास होगी बिहाइंड फेरिंग्स ईसोफेगस और फ्रंट ऑफ प्री वर्टिब्रल मसल वर्टिब्रल कॉलम के। ये फेशियल फ्लोर बनाएगी पोस्टीरियर ट्राइंगल का और एक्सटेंड करेगी लेटरली ओवर द फर्स्ट रिब इनटू द एक्सिला, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्सिलरी शीथ ये प्री वर्टिब्रल लेयर ही बनाती है। अब है हमारी कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ जो है ये लोकल कंडेंसेशन होती है प्री वर्टिब्रल की, प्री ट्रैकियल की और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप फेशिया की, जो कि सराउंड करती है कॉमन इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, इंटरनल जगुलर वेन, वैगस नर्व, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को। अब है एक्सिलरी शीथ। ऑल द एंटीरियर रेमा ऑफ सर्वाइकल नर्व जो कि इमर्ज होंगी इंटरवल बिटवीन द स्कैलिनस एंटीरियर एंड स्कैलिनस मीडियस मसल के, ये लाई करती हैं फर्स्ट डीप टू द प्री वर्टिब्रल फेशिया, ठीक है, उसके डीप लाई करती हैं और वहाँ से वो जो जैसे ही सप्लीमेंट आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस इमर्ज होंगे इंटरस्कैलिन ट्रायंगल से, ये कैरी करेंगे अपने साथ शीथ ऑफ फेशिया की जो कि एक्सटेंड करती है इनटू द एक्सिला, और इसको एक्सिलरी शीथ कहा जाता है। अब हम सर्वाइकल लिगामेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, ये कनेक्ट करता है स्टाइलोइड प्रोसेस को लेसर कॉर्नो ऑफ हायोइड बोन के साथ। उसके बाद है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये कनेक्ट करता है स्टाइलोइड प्रोसेस को एंगल ऑफ मैंडिबल के साथ। उसके बाद है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये कनेक्ट करता है स्पाइन ऑफ स्फीनोइड बोन को लिंगुला ऑफ मैंडिबल के साथ। उसके बाद हमारा लास्ट है टेरिकोमैंडिबुलर लिगामेंट राफे, ये कनेक्ट करता है हैमुलर प्रोसेस ऑफ द मीडियल टेरिकोइड प्लेट को माइलोहायोइड लाइन मैंडिबल के पोस्टीरियर एंड से। यह अटैचमेंट देता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को और बक्सीनेटर मसल्स को। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड बक्सीनेटर, एक होती है हमारी रेट्रोफेरिंजल स्पेस। अब हम क्लिनिकल्स कर रहे हैं तो ये बक्कोफेरिंजल फेशिया और एलर फेशिया के बीच में होती है, और एलर और प्री वर्टिब्रल फेशिया के बीच में होती है डेंजर या प्री वर्टिब्रल स्पेस, ठीक है। तो ये दो पोटेंशियल स्पेसेस अभी हमने डिस्कस की, ठीक है, बक्कोफेरिंजल और एलर फेशिया के बीच में होगी रेट्रोफेरिंजल स्पेस। ये परमिट करता है मूवमेंट फेरिंग्स की, फेरिंग्स की, लेरिंग्स की, ईसोफेगस की स्वेलोइंग के दौरान, ठीक है। हम दोबारा देख सकते हैं बक्कोफेरिंजल फेशिया है, एलर है, उनके बीच में रेट्रोफेरिंजल स्पेस। होप सो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर इन्फेक्शन या एब्सेस हो जाए तो वो स्वेलोइंग नहीं हो सकती, ब्रीदिंग रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, ठीक है। ईसोफेगस आप देखें ट्रेकिया ईसोफेगस बिल्कुल इसके सामने है, तो उन पर प्रेशर आ सकता है। T1 तक ये बक्कोफेरिंजल एलर फेशिया फ्यूज हो जाती है, तो यहाँ तक ये रेट्रोफेरिंजल स्पेस लिमिटेड है, ठीक है। तो अब हम एक किस्म का रिव्यू लेंगे। Now, radiologists, on the other hand, will say, well, that's superficial fascia, and that's the jargon we use. ये जो है superficial fascia, और ये सारी हमने जो देखी deep fascia. Fascia, I'm going to say that's... ये deep investing fascia, या superficial layer of, deep investing layer of fascia. ये pre-tracheal fascia, carotid sheaths, pre-vertebral fascia. तो क्लिनिकल नोट्स कर रहे हैं हम, जैसे कि हमने पहले देखा डीप फेशिया सर्टेन एरियाज पे डिस्टिंक्ट शीट बनाता है इन्वेस्टिंग, प्री ट्रैकियल, प्री वर्टिब्रल, तो ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल होती है सर्जन से। और फेशियल स्पेसेस अगर हम देखें तो बिटवीन द डेंसर लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल डीप फेशिया इन द नेक लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो पोटेंशियल स्पेसेस बनती हैं जो कि क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अमंग मोर इंपॉर्टेंट जो है वो है विसरल और ये वाली रेट्रोफेरिंजल जो हमने पहले पीछे एक्सप्लेन किया, और सब मैंडिबुलर भी है, मेस्टिकेटरी स्पेसेस भी, ठीक है। इनके डीप फेशिया फेशियल स्पेसेस के इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो कि ओरिजिनेट होते हैं माउथ से, टीथ से, फेरिंग्स, ईसोफेगस से स्प्रेड हो सकते हैं अमंग फेशियल प्लेन्स एंड स्पेसेस में, और टफ फेशिया डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन का और पाथ जो कि वो पस लेगा। इट इज़ पॉसिबल कि ब्लड, पस या एयर जो है रेट्रोफेरिंजल स्पेस में स्प्रेड हो डाउनवर्ड टू द सुपीरियर मीडियास्टिनम ऑफ द थोरैक्स। ये हमारी माउथ में होती है सब मैंडिबुलर स्पेस, ये ग्रीन कलर की। इसके अलावा हमारे माउथ में एक मैस्टिकेटरी स्पेस भी होती है। अब हम देखेंगे एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द नेक फेशियल स्पेसेस। अगर डेंटल इन्फेक्शन जो कि मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है लोअर मोलर टूथ को, तो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है इमीडियली फ्रॉम द मैंडिबल इनटू द सब मैंडिबुलर और मैस्टिकेटरी स्पेसेस में, ठीक है, और पुश कर देगा हमारी टंग को फॉरवर्ड और अपवर्ड। फर्दर स्प्रेड डाउनवर्ड जो है इन्वॉल्व करेगा विसरल स्पेस को, और एडिमा हो सकती है ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। लुडविग एंजाइना एक्यूट इन्फेक्शन है सब मैंडिबुलर फेशियल स्पेस का, और ये कॉमनली सेकेंडरी होता है टू द डेंटल इन्फेक्शन, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं लुडविग एंजाइना, ओके। तो ये हमने डिस्कस किया एक्यूट नेक इन्फेक्शन। अब नेक फेशियल स्पेसिस के क्रॉनिक हम इन्फेक्शन डिस्कस करेंगे।
ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन ऑफ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड हो सकता है लिक्विफेक्शन में और डिस्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द लिम्फ नोड में। इन्वेस्टिंग लेयर जो है डीप फेशिया की वो लिमिट करती है एट फर्स्ट पस को, ठीक है। लेटर जो है ये इरोड हो जाती है एट अ पॉइंट और पस जो है पास हो जाएगा लेस रेस्ट्रिक्टेड सुपरफिशियल फेशिया में, डम्बल या कॉलर स्टड एब्सेस अब बन जाएगा। क्लिनिशियन अवेयर होता है ऑफ सुपरफिशियल एब्सेस का लेकिन मस्ट नॉट फॉरगेट एग्जिस्टेंस ऑफ द डीपली प्लेस्ड एब्सेस, ठीक है। अब हम रूट ऑफ द नेक की एनाटॉमी पढ़ेंगे। रूट ऑफ द नेक जो है एरिया होता है इमीजिएटली अबव द इनलेट इनटू द थोरैक्स। स्केलिनस एंटीरियर जो मसल की स्ट्रक्चर है अंडरस्टैंड करने में रूट ऑफ द नेक, और ये डिस्क्राइब हमने पहले कर लिया है। सबक्लेविन ब्लड वेसल और थोरेसिक डक्ट नोटेबल स्ट्रक्चर्स होती हैं इस रीजन की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबक्लेविन आर्टरी। राइट सबक्लेविन आर्टरी अराइज होती है ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी से। अब हम सारा कोर्स पढ़ेंगे सबक्लेविन आर्टरी का, ठीक है। जो राइट सबक्लेविन आर्टरी होती है ये कहाँ से आएगी, ब्रेकियो सिफेलिक ट्रंक से आएगी, ठीक है, बिहाइंड द राइट स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट से। ये पास होगी अपवर्ड और लेटरली और जेंटली कर्व होगी बिहाइंड द स्केलिनस एंटीरियर मसल के, ठीक है, और फिर यहाँ से और आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब्स से, और यहाँ से बन जाएगी हमारी एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट सबक्लेविन जो आर्टरी होगी उसके वो जो अराइज होगी आर्च ऑफ द एओर्टा से, ठीक है। वो जो थी वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, लेकिन ये जो लेफ्ट है ये आर्च ऑफ द एओर्टा से अराइज हो रही है, और ये इन द थोरैक्स में असेंड होगी रूट ऑफ द नेक से, और फिर आर्च होगी लेटरली इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ द राइट सबक्लेविन, ठीक है। फर्दर डिटेल्स जो है वो अब हम नीचे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सबक्लेविन वेन। सबक्लेविन वेन जो है ये बिगिन होगी एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब पे, ठीक है, फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर पे, और जहाँ से एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सिलरी वेन मिडल बॉर्डर ऑफ द स्केलिनस एंटीरियर मसल पे ये ज्वाइन कर लेगी इंटरनल जगुलर वेन को और बना देगी ब्रेकियोसेफेलिक वेन। अब हम पढ़ेंगे थोरेसिक डक्ट के बारे में। थोरेसिक डक्ट बिगिन होगी एब्डोमेन में अपर एंड ऑफ सिस्टर्ना काइली से, ठीक है, ये एंटर होगी थॉरेक्स में थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग इन द डायाफ्राम, और वहाँ से असेंड होगी इन द पोस्टीरियर मेडियस्टिनम में, इंक्लाइन करेगी ग्रेजुअली लेफ्ट की तरफ, सुपीरियर मेडियस्टिनम में ये पास होगी अपवर्ड अलोंग द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द ईसोफेगस, और ये रीच करेगी लेवल ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ से ये बेंड होगी लेटरली बिहाइंड कैरोटिड शीट, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केलिनस एंटीरियर पे ये टर्न होगी डाउनवर्ड और ड्रेन होगी बिगिनिंग ऑफ द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, या फिर ये टर्मिनल पार्ट ऑफ सबक्लेविन या इंटरनल जगुलर वेन में भी ड्रेन हो सकती है। क्लिनिकल है अब हमारा प्लूरा और लंग इंजरी इन द रूट ऑफ द नेक, ठीक है। सर्वाइकल डोम जो है प्लूरा का और जो हमारे एपेक्स ऑफ द लंग है वो एक्सटेंड करती है इनटू द रूट ऑफ द नेक ईच साइड से, ठीक है। ये कवर हुई होती है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन के साथ, ये लाए करते हैं बिहाइंड द सबक्लेविन आर्टरी, ठीक है, सबक्लेविन आर्टरी के ये पीछे होती है। तो अगर पेनिट्रेटिंग वोंड हो अबव द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल पे तो ये इन्वॉल्व कर सकता है एपेक्स ऑफ द लंग को भी।